तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, पर मुझसे नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहां का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। झंडा बाजार लाज जूता बनाई पैसा कौड़ी चारू झटक दूध निकले गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं आजाद शेक ऑफिशियल। दोस्तों यूपी में भाजपा सरकार की बुरी हालत है। पहले चरण और दूसरे चरण में चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई, जिसके बाद बीजेपी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो आपको सुनना चाहिए। अब बीजेपी के नेताओं के पास अपना विकास का काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब उनको खुद को भी मालूम पड़ गया है कि अब यूपी में पूरी तरह से नैया डूबने वाली है। जिसके बाद दोस्तों ये आप बीजेपी की एक नेता को देख सकते हैं जो घूम घूम कर ये कह रही है लोगों को कि भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए, गन्ना किसानों का गन्ना का लोन माफ किया, उनको नमक बांटे, उनको अनाज बांटे, लेकिन फिर भी आज वो जब बाजार में निकलती है और वोट मांग रही है तो कोई भी उसके नमस्ते का भी जवाब नहीं दे रहा। सबसे पहले दोस्तों ये आप वीडियो देख लीजिए कि भाजपा किस तरह से हार से बौखला रही है और किस तरह की बातें अब लोगों को कह रही है। वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहां का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा। तो दोस्तों इतना ही नहीं, अब भाजपा के लोग, भाजपा के नेता अब यूपी के लोगों को जो चुनाव में वोट देने वाले हैं अब उनको धमकाते हुए भी नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों भाजपा सरकार के पास विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जिन्ना, पाकिस्तान, अखिलेश, कांग्रेस के 70 सालों को गिनाते गिनाते बस ये थकते नहीं है। बाकी अपने काम की जब बात आती है तो इनके पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, जिसके बाद कभी पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है तो कभी कांग्रेस के 70 सालों को गिनाने लगते हैं, कभी नेहरू की बात करने लगते हैं तो कभी मुसलमान की बात करने लगते हैं। दोस्तों यूपी में पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में जो हालात, जो मामले सामने आए हैं उसे लेकर बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। जिसके बाद बीजेपी के नेता जैसे तेलंगाना के टी राजा है वो धमकाते हुए लोगों को नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं आप ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए है, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करे उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं? तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। 5 साल से यूपी में योगी की सरकार है लेकिन अपने काम गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जब भारते हुए आप देख रहे हैं कि अब यूपी में तो बीजेपी की नैया डूबने वाली है तो अब लोगों को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। टी राजा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर योगी को जिसने वोट नहीं दिया तो सोच लो, एक हाथ में विकास की चाबी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की चाबी होगी। दोस्तों वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी योगी सरकार को वोट नहीं देगा तो वो समझ जाए, वो समझ जाए, क्योंकि बुलडोजर की चाबी अब योगी सरकार के हाथ में है और जो वोट नहीं देगा तो बुलडोजर बस चलने ही वाला है। तो दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक यूपी के पूर्व विधायक है, वो भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं और किस तरह से वोट मांग रहे हैं आप उनको भी बूथ उठाएंगे, उस बूथ को उठाने में जो भी करना पड़ेगा वो आप कर कहिएगा। झंडा बाजार लाज जूता बनाई पैसा कौड़ी दारू झटक दूध निकले गया जो करेंगे हम सब काम करेंगे। पूरी तरह से समझ गए कि इनके पास 5 सालों में क्या विकास किया, क्या कार्य किया, वो गिनाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। और अगर इनके पास कुछ है तो वो है हिंदू मुसलमान करना, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना, विभाजनकारी नीतियां अपनाना। और दोस्तों ये सब तो सिर्फ एक प्यादे हैं,
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह का बयान देते हुए नजर आए। वो कहते हुए नजर आए कि अगर 5 साल जो वोट देना है सोच समझ कर देना, लोगों को कहते हुए नजर आए कि 5 साल सोच समझ कर वोट देना, नहीं तो जो हमारा यूपी है वो केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा और कश्मीर बन जाएगा। अगर 5 सालों में सच में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास के लिए कुछ कार्य किए होते तो वह अपने कार्य गिनाते हुए नजर आते, ना कि वहां की जनता को डराते हुए नजर आते। इसी बात को लेकर दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि योगी आदित्यनाथ को डर है कि अगर उनका यूपी केरल बन जाएगा तो केरल में 100% साक्षरता है, वहां के यूपी के भी लोग शिक्षा हासिल करने लगेंगे। अगर पर कैपिटा इनकम की बात किया जाए तो केरल में पर कैपिटा इनकम लोगों की बहुत अच्छी है, और अगर यूपी केरल बन जाता है तो लोगों का अच्छा विकास होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को यूपी के लोगों को अच्छी मिलने लगेगी। इसी बात का योगी सरकार को डर है कि अगर वो केरल बन गया तो सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे और कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों इस तरह की राजनीति अब हो रही है क्योंकि 5 सालों में यूपी में सिर्फ बड़े बड़े बातें की गई, शहरों के नामकरण किए गए, शहरों के नाम बदले गए, और जो पिछली सरकारों के काम है बस उसका क्रेडिट लेते हुए ही योगी सरकार नजर आई। दोस्तों आलम यह है कि अब लोग योगी आदित्यनाथ को सुनना ही नहीं चाहते, बीजेपी के लोगों को अब लोग सुनना ही नहीं चाहते। इसी से हार के बौखलाहट को लेकर विकास के कार्यों को छोड़ के अब वो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को डराने धमकाने लगे हैं कि अगर भाजपा सरकार को वोट नहीं दिया तो आगे वाले दिनों में वो अपने ही जिम्मेदारी खुद उठा ले। तो दोस्तों ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की कथनी और करनी, क्योंकि 5 सालों में 10 सालों में भाजपा सरकार ने सिर्फ जुमले ही किए हैं, जुमलों के अलावा और कुछ नहीं किया। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।